कुछ और लोग हैं इस लाइन में कि छठ पूजा में वो भी आ रहे हैं, देखिए साड़ी लाल यादव भी, वो भी मेरे अपने ही हैं, वो भी हमारे भोजपुरी के बेटा हैं, तो सब लोग के चले। मैं देखे, मैं किसी को चैलेंज में नहीं रखता, सच पूछिए तो मैं किससे लड़ूं, अपनों से लड़ना मुझे नहीं आता और मैं कभी अपनों से लड़ा नहीं हूं। जहां कहीं बात विवाद हो जाती है तो बात अगर पिता एक पुत्र को बोलता है, चाहे पुत्र अगर पिता को बोलता है, तो बातें तो वहां भी हो जाती है, वहां भी थोड़ी सी अनबन होती है, क्योंकि सवाल जब आते हैं तो जवाब तो आदमी देगा ही, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पिता हो या पुत्र हो या पिता हो, तो हर आदमी का एक होता है, अपना जरिया होता है। तो मैं किसी से लड़ने के लिए नहीं, मुझे लगता है कि भोजपुरी को बड़ा करने पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए और हम बेहतर हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही बता देंगे कि कौन कितना बेहतर है। और सब लोग प्यार देते हैं मुझे, मैं अपने आप को बेहतर कभी नहीं माना, मैं तो सिर्फ़ एक बेटा की तरह लोगों का प्यार पाने की कोशिश करता हूँ, और यही मेरी सफलता है कि मैं सबको अपना पिता मान के और लोगों का अपना गार्जियन स्वरूप, जो भी हमारी माता बहन बेटी हैं, सबको अपना समझ के मैं अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता हूँ। तो चैलेंज तो सबके लिए होता है, देखिए प्रतिनिधि जो होता है कहीं ना कहीं वो भी अपने जीरा से मेहनत कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। अब किसको कितना प्यार और सम्मान मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे अपने लोगों पे विश्वास है, उस जनता पे विश्वास है, उस भगवान पे विश्वास है कि वो भगवान मुझे नाराज़ नहीं करते हैं। बाकी क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। सेंटर पे जब हम लोग रिव्यू करते हैं तो एक सवाल पूछा जाता है, बार बार दागा जाता है कि खेसारी लाल यादव थिएटर में प्रमोशन करना बंद कर चुके हैं, वो नहीं आते, इसको लेकर मैं काफ़ी बार झूठ बोल चुका हूँ, मुझे सुनना पड़ जाता है कि भाई खेसारी जी क्यों नहीं आ रहे, इसको लेकर रिएक्शन नहीं, उसका रीज़न है भाई कि हम नहीं जा पाते हैं, क्योंकि थिएटर में हम जाते हैं तो इतनी भीड़ और क्राउड हो जाती है कि वहाँ का प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं कर पाता है, और प्रशासन सपोर्ट नहीं करता है तो कुछ उल्टा सीधा चीज़ें हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है फ़ोटो सेल्फी लेने के चक्कर में। तो इसकी वजह से आज की डेट में आदमी थिएटर जाना बंद कर दिया है, क्योंकि वो हमें पुलिस प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब प्रशासन हमारे लिए डेढ़ घंटा तो बैठेगा नहीं, हमारे सिनेमा के लिए तो आएंगे नहीं भाई, बिहार की प्रशासन है तो उसका अपना भी तो काम है, तो उसमें भी हम दबाव नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन बिहार सरकार सिनेमा को लेकर, इंटरटेन को लेकर सक्रिय होगी, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी सबसे मिलने की फिर से कोशिश करेंगे और फिर से जाकर और लोगों का प्यार और नज़दीक से जाकर उनके बीच में सिनेमा देख कर हम अपना सिनेमा का एंजॉय करेंगे। छठ पूजा के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बोल रहा था बोल के लिए, बस मैं आप सबसे यही कहना चाहते हूँ कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद बोल रहा था बोल को इतना दीजिए कि हमारी आस्था है उसमें, अब हमारी आस्था कभी कमज़ोर नहीं हुई है। और जहाँ तक छठ पूजा का सवाल है, छठी मैया का आशीर्वाद जिसको भी मिला है वो बहुत बड़ा बना है, तो बस छठी मैया की गुणगान से एक नास्तिक से आस्तिक बना है कैसे छठ के महिमा की वजह से, आप ज़रूर देखिए तब समझ में आएगा कि हमारी छठ की महिमा क्या है। तो प्लीज़ आप अपना प्यार और आशीर्वाद बोल रहा था बोल को ज़रूर। छठ पूजा कहाँ कहाँ लगते हैं? अब तो हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारी शायद निशान जी डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसके, तो निशान भाई से हम पूछ के अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि हमारी सिनेमा कहाँ कहाँ लगे।